I smile alone now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you are real right now. You look into my eyes and fell off really. Then nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, brother. Ibrahim bhai maujood hain. Ibrahim bhai, is thoda sa jets ke bare mein thoda bataiye. Assalamu alaikum. मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है और ये एक फ़ाइटर जेट है। ये समझने ये मेरी हॉबी है और काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहा हूँ मैं। ये हमने यहीं पे फ्लाई किया है काफ़ी दफ़ा, 10 से 15 दफ़ा यहाँ पे फ्लाई कर सकें। और ये हमने 14 अगस्त के लिए बनाया था, आप देख सकते हैं पीछे चांद तारा हमने बनाया था, लेकिन अभी काफ़ी रफ कंडीशन हो गई है। और ये बहुत तेज़ फ्लाई करता है, इसमें ये मोटर होती है, ब्रशेस मोटर होती है, ये कंट्रोल सर्फेसेज हैं इसके, ये एलिवेटर्स हो गए, ये एलिरोन्स हो गए। ठीक है, तो ये पहले कितने बना चुके थे? इस तरह के मैं तकरीबन 25 से 30 मॉडल्स बना चुका हूँ। जेफ 17 थंडर है ना, तब तक खुला हुआ ये रात तक खुला हुआ। कितना प्राइस क्या? अच्छा, ये सर प्राइस जो है इसके डिफरेंट प्राइसेस होते हैं, रिमोट पे डिपेंड करते हैं। तकरीबन 13,000 रुपये का सिर्फ रिमोट आता है। नहीं, टोटल आपको पूरा सेट जो कंप्लीट सेट है वो कितने का? कंप्लीट सेट लेंगे तो तकरीबन आपको 30 से 35,000 या न्यू बना के 35,000, मतलब न्यू, बिल्कुल बिल्कुल न्यू। ठीक है, कोई उसमें रिमोट कंट्रोल हर चीज़ सब इसमें। उसके अलावा अगर कोई और मॉडल चाहिए आपको, ये F22 F16 भी मिल जाएगा, GF17 भी मिल जाएगा, हर तरह का मॉडल मिल जाएगा, जिस तरह का आप मॉडल बोलेंगे वो मिल जाएगा, जिस साइज़ में बोलेंगे वो साइज़ में। ठीक है, अभी आपसे नंबर भी लेते हैं, पहले तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा मुझे बेटे ये रखना। ये रखो, ये रखे बेटा। अच्छा, ये हमारे पास हॉबी ग्रेड 4x4 कार है, ब्रशेस कार है ये, और काफ़ी हॉबीस्ट ये जानते होंगे इसको, ये क्या चीज़ है। ये अच्छी खासी इसकी स्पीड होती है, ये चाइनीज़ मॉडल है, लेकिन इसमें अगर आप ब्रांडेड लेते हैं तो वो भी तकरीबन अच्छी खासी पड़ेगी। ये इसकी कॉस्ट जो है हमने लगाई है यहाँ पे तकरीबन 30,000 में कम्प्लीट है, बिल्कुल ना? ये 30,000 में कम्प्लीट विद रिमोट, क्योंकि इसके रिमोट ही 6,000 से स्टार्ट होता है, 6,000 से 10,000 15,000 अच्छा खासे प्राइस। मतलब इससे कितना डिस्काउंट हो जाएगा इसमें? इसमें डिस्काउंट कितना हो जाएगा? डिस्काउंट इसमें तकरीबन, इसमें हम नया रिमोट लगा के दे रहे हैं, 6,000 का ये रिमोट है, तकरीबन मिनिमम जो है ना मैक्सिमम तकरीबन 4,000 तक का डिस्काउंट, मतलब 26,000 हो जाएंगे फाइनली। ठीक है, अच्छा और क्या ये? अच्छा, टूल्स किट भी पड़े आपके पास? ये प्रोफेशनल टूल्स पड़े हैं। ये टूल्स किट के ये क्या है, कौन सा बोर्ड दिलाते हैं? ये वन व्हील, ये अच्छा। इसके अलावा हमारे पास ये होवर बोर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये भी एक्टिव है? बिल्कुल एक्टिव है, रनिंग कंडीशन काफी हैवी है, बहुत हैवी है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ओमनी व्हील भी पड़ा हुआ है। अच्छा, होवर बोर्ड ये रिमोट के साथ है या? नहीं नहीं नहीं, ये रिमोट के साथ नहीं होता, बेसिकली इसके अंदर सेंसर्स होते हैं, इसके ऊपर पाँव रखते हैं सेंसर्स ऑपरेट हो जाते हैं। जैसे हम उसको बिल्कुल इसके ऊपर पाँव रखेंगे ना, तो जैसे ही आप वेट आगे को करेंगे तो ये आगे फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स करेंगे तो बैक करेंगे। अभी आपको चला के दिखाएगा, ठीक, फिजिकली भी देखते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक ये ओमनी व्हील है, ये वन व्हील है। अच्छा, ये वन, ओ वाओ, ये भी अच्छा खासा हैवी होता है, ये बेसिकली। अच्छा, इसके होवर बोर्ड इसके रेट्स बताइए, प्राइस क्या है इसके? हमने डिमांड जो लगाई है 18,000 डिमांड है, इसमें कमी पेशी हो जाएगी, ये 25,000 का है, इसमें भी ये भी वन व्हील है, ये वन व्हील है, इसको चलाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इसमें बैलेंस भी देखते हैं, फिजिकली इसको भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ओके। उसके अलावा हमारे पास फिशिंग का सामान पड़ा हुआ है, फिशिंग रील्स पड़ी हुई है, कंप्लीट फिशिंग रॉड्स पड़ी हुई है, वो आप देख सकते हैं पीछे। ठीक है, वो पीछे लगे रॉड्स, वो भी देख लेते हैं, प्रोफेशनल रॉड्स हैं। अच्छा, ये स्पीकर जो आपको? ये स्पीकर है, ये खैर पर्सनल यूज के लिए। इसके अलावा हमारे पास ये नेक मसाजर्स हैं, एक कार मसाजर भी है जो कार की सीट पे रखते हैं, वो मसाजर पड़ा हुआ है, लाइट्स पड़ी हुई है। ठीक है, ये टूल्स पड़े हुए, मिनी लेथ मशीन्स हैं, ओके, ये इसके टूल्स हो गए, ये वैक्यूम क्लीनर। इसकी प्राइस बता दीजिए इनके। अच्छा, ये डिफरेंट प्राइसेस में जो छोटी वाली है ये कंप्लीट 5,000 की, इसमें इसका चार्जर है, इसमें चार्जेबल है सर? ये चार्जेबल नहीं है, अडाप्टर के साथ होता है, इसमें वेरिएबल वोल्टेज का अडाप्टर होता है, 12 वोल्ट से 24 वोल्ट तक ऑपरेट करता है। ये सोलर हमारे पास स्पीकर है। क्या प्राइस है इसके? ये जो है ये 1500। अच्छा, सोलर है, बिल्कुल सोलर परफेक्ट है, और अच्छी खासी इसकी साउंड होती है, ये सोलर पे चार्ज भी होता है और उसके अलावा जो इसके अंदर लाइट भी लगी हुई है। अच्छा, ठीक है, और इसके अलावा थोड़े क्या प्राइस बताएं इसकी? ये 1500 का। ये थोड़े नशीली लोगों के लिए हमारे पास पॉड्स वगैरह भी हैं, ये 60 mg के पॉड्स हैं वी गॉड के। इसके अलावा जो है हमारे पास ये नाइट्रो वाली गाड़ी तकरीबन 3400 का, ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, 2000 का ये दे रहे हैं, ये सिंगल अगर परचेस करें तो ये सिंगल। ओके, अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये पॉड्स भी पड़े हुए हैं, ये बिल्कुल बॉक्स पैक है, इसके बॉक्स यहीं पड़े हुए हैं, सील्ड है। ठीक है, सील्ड पैक्ड होते हैं ये। ओके, ये 50 mg हैं और ये 5,000 पफ्स हैं, ये लिमिटेड पफ्स होते हैं, डिस्पोजेबल कहलाते हैं, ये भी डिस्पोजेबल है, इसमें 300 पर स्टिक का 300 पफ्स है।
लेकिन ये 60 mg है और ये 50 mg है। ओके ठीक है। अच्छा इसके अलावा बस CNC के कुछ ऑटोस वगैरह पड़े हुए हैं जो भी अच्छा ये टूल्स हैं। ठीक है। अच्छा ये टूल्स के किट्स के बारे में थोड़ा बताएं ना। अच्छा ये किट जो बताएं, ये किट जो है ये क्या कहेंगे इसको, ओपन हैंड रिंग स्पैनर कहेंगे ये उसके किट्स है। इसके साथ ये आती है इसकी टी, ये इसके साथ यूज होती है। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। और क्या प्राइस है इसके? ये सर कंप्लीट जो किट है ना हमारे पास, इसमें थोड़े से कुछ कम है, दिस इज ये कंप्लीट 5000 की। अच्छा ये पूरा सेट है, कंप्लीट सेट है। और ये चाइनीज नहीं है, ये जर्मनी का मेड है, मेड बाय जर्मनी। उसके अलावा हमारे पास बॉश की, मकीता की भी थोड़े थोड़े ये टूल्स पड़े हैं। ओके सही हो ना जो अभी। ठीक है। ये आरसी प्लेन्स मिल जाएंगे, मिनी आरसी प्लेन्स हो गए। चेक कर लूंगा। ओके क्या क्या प्राइस इनके? अच्छा ये वाला जो है 2500 का सॉरी। ओके ये जो है ये आपको 4000 का पड़ेगा। ये न्यू है, बॉक्स बैग है। अच्छा ये थोड़ा सा यूज्ड है और ये न्यू है, बिल्कुल ये न्यू है। हाँ इसके अलावा हमारे पास ये ट्राईपॉड्स भी पड़े हुए हैं, गोरिल्ला पॉड्स भी हैं, ये आरसी कार्स हैं, टॉय कार्स हैं। ये बिल्कुल रनिंग कंडीशन में परफेक्ट है। क्या प्राइस रफनेस हो रही है? ये तकरीबन आपको 2000 की पड़ेंगी, हमारे पास 1500 वाली पड़ेंगी। ड्रोन्स में ड्रोन भी दिखाइए। ड्रोन्स में आते तो एक हमारे पास फिलहाल अभी यहाँ पे प्रोफेशनल है ना, प्रोफेशनल ड्रोन पड़ा हुआ है, हॉलीस्टोन का है, 720 इसकी रेजोल्यूशन है, GPS कंट्रोल्ड है, सेटेलाइट, दो बैटरीज हैं इसके साथ। और इसके अलावा अगर आपको और प्रोफेशनल चाहिए, DJI का वो भी मिल जाएंगे, वो फैंटम 3 प्रोफेशनल। पहले तो इसकी प्राइस बताइए। इसके प्राइस हमने डिमांड रखी है 40,000। ये ऑनलाइन जो है ना 60,720। तो ये यूज होते हैं? ये न्यू है, बिल्कुल न्यू, फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश। अच्छा ये टॉय ड्रोन है, ये आपको 3000 तो प्रोफेशनल यूज तो नहीं कर सकते हैं? नहीं प्रोफेशनल यूज नहीं कर सकते, लेकिन इसके अंदर एक कैमरा लगा हुआ है ये, लेकिन इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी इनकी होती है। हाँ ये तो प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल। इसका फाइनल क्या हो जाएंगे? इसके फाइनल बिल्कुल फाइनल जो है सर वो 37 बिल्कुल फाइनल 37,000 रुपीज। तो बैटरी बैकअप क्या कितना है इसकी? बैकअप रेंज क्या है? कंपनी कहती है कि कोई 20 मिनट्स इसका बैकअप है एक बैटरी का, तो दो बैटरियां इसके साथ हैं। तो अब आप ठीक है। अच्छा और भी कोई ड्रोन? अच्छा और हमारे पास फिलहाल अभी तो और कोई ड्रोन नहीं है। एक वो ड्रोन हम साहब ग्रे वाला लिख रहा हूँ, ग्रे ड्रोन दो। अच्छा ये एक मिनी ड्रोन है, मैविक की कॉपी है, बट मैविक नहीं है, ये टॉय ड्रोन में आएगा, लेकिन इसमें कैमरा लगा हुआ है। ये है कि इनिशियली बिगनर यूज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी GPS कंट्रोल्ड है, इसके अंदर भी सैटेलाइट्स कनेक्ट होते हैं, HD है, ये धूप में अच्छा रिजल्ट देगा, अंधेरे में इतना अच्छा खास रिजल्ट नहीं। पूरा सेट कंप्लीट है? ये कंप्लीट सेट है, कंप्लीट सेट पड़ा हुआ है मेरे पास। ठीक है। वो क्या प्राइस है? तकरीबन आपको 5000 तक का मिलेगा, बिल्कुल वरना में इसके रेट अच्छे खासे लग जाएंगे। अच्छा आपके पास ये मिनी कैमरास भी पड़े हैं कुछ? मिनी कैमरास दिखा दो यार हमजा, कैमरास दो मिनी हमजा दिखाना बेटा, वो वॉशिंग वो भी देना, ये व्लॉगिंग के लिए जो कैमरा वो दिखा देगा। ये तो नॉर्मल स्टिल कैमरा है ना, ये एक्शन कैमरा दिखा दो। ये कितने का है? अच्छा इसके अलावा हमारे पास एक एक्शन कैमरा पड़ा हुआ है, ये इसको यहाँ से ओपन करेंगे, ये पूरा ये केसिंग है इसकी, वाटर प्रूफ है। ठीक है ओके। अच्छा मतलब इसे हम अंडर डीप वाटर में यूज करेंगे तो ये वाटर प्रूफिंग के लिए होता है, तो मतलब उसका रिजल्ट भी सही रहेगा या खराब नहीं होगा? सही रहता है इसका, लेकिन ये इतनी हाई क्वालिटी वाला नहीं है। इसमें GoPro आते हैं वो कॉस्टली भी हो जाते हैं और उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो जाती है। वो कितने के हैं? वो तकरीबन 20,000 से स्टार्ट होते हैं, इनवर्ड 60-70 से भी अब जाते हैं। ठीक है। अच्छा और दिखाएं। उसके अलावा हमारे पास ये लाइट्स पड़ी हुई हैं, अच्छी पुलिस लाइट्स हैं, ये अच्छी खासी रेंज है इनकी, तकरीबन 300-400 मीटर तक इसकी रेंज होती है। सही अच्छी है। और उसके अलावा मसाजिंग का भी बहुत सामान है, वो वाटर वॉशिंग मशीन भी है। बिलाल वो दो स्प्रे वाटर गन के लिए है, इससे बाइक वॉश भी कर सकते हैं और छोटा मोटा कोई काम भी कर सकते हैं अगर आपने कुछ वॉश करना। ये इसकी मशीन होती है, 12 वोल्ट से ऑपरेट होती है, 220 भी करेंगे तो हम डायरेक्ट बैटरी पे भी यूज कर सकते हैं। ये इसका पाइप है यहाँ पे लगता है और ये आउटलेट हो गई, ये इनलेट हो गई, यहाँ पे आपने किसी टैंक पे पानी पाइप डाल दिया। ठीक है। और ये इसकी गन होती है, इसका अच्छा खासा प्रेशर होता है। सही है। इससे नॉर्मली वॉशिंग हो सकती है। ये आपको 3000 का पड़ेगा, 3000 पूरा सही है सर, कंप्लीट 3000। सही है, बिल्कुल मुनासिब वर्किंग कंडीशन। सही अच्छा है, रखना यार ये रखो। अच्छा अपना इब्राहिम ये सारे कंप्लीट हो गया सर, कोई और तो चीज़ दिखाने की नहीं है? अच्छा और कुछ और खास दिखाना है वो दिखा दे, ओपन करके दिखा दे।
अच्छा एक प्लेन ये भी पड़ा, ये प्लेन आप देख सकते हैं, ये 3 चैनल का प्लेन है, बिल्कुल ब्रांड न्यू है। ये बेसिकली ब्रश मोटर के साथ है, ब्रश कंट्रोलर होता है इसके अंदर। इसको अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप ब्रशेस मोटर डाल लें और ESC चेंज कर लें और इसका सर्किट चेंज हो जाएगा। क्या रिसीवर चेंज हो गया? ये सर 12,000 का पड़ेगा, बिल्कुल मतलब इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, विदाउट इसका बैकअप क्या, बैटरी बैकअप? बैटरी बैकअप इसका सर तकरीबन 5 to 6 मिनट्स। अगर आप प्रोफेशनल उसमें चले जाएंगे तो इसमें इक्विपमेंट और अच्छा लगा देंगे तो इसका बैकअप और बढ़ जाएगा। अच्छा और दिखाएं, और भी कुछ दिखा दें। एक कार रह गई थी, एक ही कार रह गई थी, ये HSP की है बाकी, और बिल्कुल न्यू कंडीशन में ये 3S सपोर्टेड है, इसमें ब्रशेस मोटर लगी हुई है और इसकी अच्छी खासी स्पीड होती है, आपको अभी चला के भी दिखा देते हैं। चलें अभी इसको पहले डिस्प्ले करके देखते हैं, हमें चेक कराएं। तो चले दोस्तों आगे चल के देखते हैं, आइए फाइनली देखते हैं। आइए इब्राहिम इसको थोड़ा सा ये तो हैंग कर लो, हसन रिमूव सेल दो इब्राहिम इसको पहले यहाँ बैक आगे देख लेते हैं, यहाँ इधर से स्ट्रेट कर लें, यहाँ से आप सामने आगे जाओ। ये भी मैं फुल स्पीड नहीं दे रहा क्योंकि ये अगर फुल स्पीड दूंगा तो यहाँ पे काफ़ी मिट्टी उड़ेगी। रेंज क्या है इसकी? रेंज इसकी सर तकरीबन 100 मीटर तक रेंज, 100 मीटर है इसकी। तो आगे चल के देख लें इसकी, इसको भी वहीं ट्राई कर लेंगे। आगे सर आई थिंक और रश हो जाएगा मेरे ख्याल से, यहाँ देख लें साइड पे हो जा। अमेजिंग है, अमेजिंग परफॉर्मेंस। अभी मिट्टी बेटे यहाँ ये अभी पानी हो रहा है, वरना क्या नाम है? बिलाल, बिलाल पड़ेगा हमारे साथ मौजूद है। बिलाल बिलाल सो कंटिन्यू प्लीज। बहुत बुलवाया है, बहुत है यार। अच्छा इसमें जो है ना यहाँ पे क्योंकि स्मूथ सरफेस नहीं है ना तो इतना स्मूथ नहीं चल रही है। इसमें ब्लूटूथ स्पीकर भी आता है वैसे। यहाँ पे जो है ना असल में रफ सरफेस है, इस वजह से इतना स्मूथ ये चल नहीं पा रहा। विंडे की प्रैक्टिस करें सीख जाएंगे, उसके बाद ऐसे भी करेंगे आप। अच्छा इसमें ना बड़े व्हील्स वाले भी आते हैं, ये भी यहाँ थोड़ा सा रफ सरफेस है, इस वजह से मुश्किल होती है चलाने मेरे, क्योंकि बड़े व्हील्स होते हैं उसके अंदर ट्यूब डली होती है, इसमें ट्यूब नहीं है, ये बिल्कुल सॉलिड टायर्स हैं। उसमें ना बम्स आराम से एडजस्ट हो जाते हैं, उसमें आसानी होती है। इसके अलावा एक वन व्हील भी है लेकिन वो ज़्यादा मुश्किल, वो चलाओ ना, वो चेक करो ले, वो भी देखे ना चेक करो। इब्राहिम थोड़ा गाइड भी करते रहना प्लीज। अच्छा इसको चलाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। सिंपली आपको जस्ट खड़ा होना है और फोकस करना है कि आपके किस मूवमेंट से क्या हो रहा है। अगर आप जैसे आगे पंजों पे वजन डालेंगे तो ये फॉरवर्ड मूव करेगा, लेकिन जैसे मैं फॉरवर्ड जा रहा हूँ, इसी तरह अगर आप एड़ियों पे वजन डालेंगे तो ये बैक आएगा। अगर आपको एक तरफ टर्न करना है तो ये आपकी ये मूवमेंट होगी, आपने इस राइट पंजे पे आगे फॉरवर्ड करेंगे तो ये लेफ्ट टर्न कर जाएगा। राइट टर्न करना है तो लेफ्ट वाले पे आप पंजे पे जोर देंगे, बहुत ईजी होता है। इतना सा बच्चा भी चला लेता है, मैक्सिमम आपको कोई 10 मिनट लगेंगे सीखने के लिए, बहुत ईजी होता है चलाना, मुश्किल। अच्छा ये दोनों ट्विन ड्रैगन्स हैं, मुझे लग रहा है दोनों को इसी से प्रैक्टिस है इसमें। ये वाला जो है थोड़ा सा मुश्किल है चलाना क्योंकि ये ओमनी व्हील है, बहुत मुश्किल है। इसमें कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है और इसमें चलें इसको भी हाल, इसको भी थोड़ा सा फोकस करें। बेहतरीन। अच्छा इसमें सेंसर्स भी लगे हुए हैं कि जैसे अंधेरा होगा इसकी लाइट्स ऑपरेट हो जाएगी। अच्छा खुद ही ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। बिलाल इधर आओ, इसके अंदर यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है, ये जैसे यहाँ पे अंधेरा होगा
यहाँ पे लाइट्स ऑपरेट होते हैं। ठीक है फिलहाल कीप कंटिन्यू कंटिन्यू आप दोनों बल के चलें लगे तो नहीं। मैं कंपनी क्लेम करती कि 15 डिग्री से ऊपर इंक्लाइन पे आपने चढ़ना नहीं। अच्छा फिर तो ये 50 प्लस है ना फिर ये 15 से अबव है। 15 या 50 15 है। अच्छा ठीक है 15 से अबव है। ठीक है चलें। अच्छा चलें गिरने वाली ग्रिप नहीं लगाइएगा। बैक टू द पवेलियन नहीं वो नहीं करेंगे। अच्छा ये एक चीज़ बताना रहेगी कि ये दोनों ब्लूटूथ वाले मतलब इसके अंदर आप चलाते चलाते गाने भी चला सकते हैं आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार इसके तो ब्लूटूथ इसके मतलब रेट्स आप मजीद कम करें तो हमारे व्यूअर्स को अगर परचेज करने जाएं तो हमारे रेफरेंस से कोई परचेज करे ना आपके रेफरेंस उसके लिए कोई थोड़ा सा डिस्काउंट दे दो ताकि फिर बस फिर जब आए वो बताएं कि आपका रेफरेंस है तो हमसे बात खुद कर लें। अच्छा आपने इब्राहिम कम्प्लीट हो गया सर आपका? जी बिल्कुल कम्प्लीट हो गया सब कम्प्लीट हो गया। लिट मशीन्स हो गई हैं और लाइट्स वगैरह। अच्छा एक चीज़ ये रहेगी ये हमारे पास फिशिंग का ही सामान है बेसिकली ये इंडिकेशन है अगर आप फिशिंग के लिए ये वायर यहाँ से जाएगी तो ये इंडिकेशन ये है कि जैसे अगर कोई फिश आ जाती है तो ये आपको इंडिकेट कर देगा कि भाई मछली पकड़ ली। तो ये फिशिंग का ही सामान है। फिशिंग रॉड्स भी हैं हमारे पास प्रॉपर। यार एक रॉड्स की क्वालिटी जिस पे रील लगी हुई है वो दिखाओ। इसके अलावा और हमारे पास पड़ी हैं जो इससे और हाइट की है। हमें हमारे पास ये रील जो है इससे तकरीबन इतनी बड़ी रील भी मिल जाएगी आपको। ओके बड़ी। अच्छा इसको कनेक्ट करने पे बताएं ना किस तरह कनेक्ट कैसे करना। अच्छा, आता है ये कनेक्ट करना मुझे नहीं आता सर ये किसका अपग्रेड होगा इसका ये रिसीवर इसके साथ ये इसका आई थिंक इंडिकेटर है ये आपके पास होगा बाकी ये आपने एक ये आपको बीप करेगा 5-6 जो है ना ये आपकी। अच्छा डिफरेंट पोर्ट्स के अच्छा डिफरेंट जब इसके पोर्ट्स के साथ यूज़ करके लगा के इसको कनेक्ट करके तो ये सब कुछ इंडिकेट कनेक्ट करेगा कौन सी उसमें आ गई। ठीक है ये रॉड्स एडवांस टेक्नोलॉजी कितने का ये सेट? ये हमजा सेट कितने का फिशिंग वाला? फिशिंग वाला 3000 का। अच्छा स्टिक के साथ ये पूरा सेट बताएं इसके साथ ये पूरा सेट ये जो है ना 6000 की कंप्लीट किट पड़ेगी ये वाली और इसके अलग प्राइस 9000 पूरा फ्रंट सेट कंप्लीट 9000 का। लेकिन ये मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे यहाँ पे इतने प्रोफेशनल खुद ही होते हैं कि वैसे अंदाज़ ये उसके लिए अगर आप क्वान्टिटी में कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे बंदा हाथ से पकड़ होते हैं तो फिर यहाँ पे इसकी भी ज़रूरत नहीं होती लेकिन ये प्रोफेशनल यूजर्स के लिए ठीक है जो बाकायदा समंदर में जाके फिशिंग करते हैं। ओके ये उनके लिए खैर हमने भी की है। इब्राहिम प्लीज़ अपना कॉन्टैक्ट नंबर बता दिए कोई कॉन्टैक्ट करना चाहिए। कॉन्टैक्ट नंबर आप 0331371370 ये कॉन्टैक्ट नंबर है। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ RCHeaven381 के नाम से मेरा पेज है वहाँ सारे मेरे RC से रिलेटेड प्रोडक्ट्स लगे हुए हैं जो मैंने खुद बनाए और जो मैं सेल भी करता हूँ। उसके अलावा जो है फेसबुक पर भी मिल जाएगा RC प्लेन के नाम से उधर भी मेरे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं बनाता हूँ जितने टाइम से बना रहा हूँ उसको किस तरह बना रहा हूँ ये भी मिल जाएगा। YouTube पे भी मेरा चैनल है IBII के नाम से कैपिटल में वहाँ पे भी आपको इसकी बिल्ड की वीडियोस मिल लिंक सेंड कर देगा मैं लिंक सेंड कर दूंगा। उसके अलावा मेरा ये प्रोफेशनल काम है। इसके अलावा हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी आपको पेट्रोल वाली कार्स भी मिल जाएंगी नाइट्रो कार्स भी मिल जाएंगी ब्रशेस में अच्छी से अच्छी मिल जाएगी बोर्ड्स मिल जाएंगी गैसोलीन वाली इतनी बड़ी बड़ी बोर्ड्स हैं हेलीकॉप्टर्स हैं नाइट्रो वाले जिसमें इंजन लगा होता है तो इंजन्स भी मिल जाएंगे हर तरह की चीज़ मिल जाएगी जो आपको चाहिए। ठीक है सो वेरी नाइस ऑफ यू टाइम देने बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।